वेलकम टू क्रिक साइंस। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि स्वीप और स्लॉग स्वीप में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसके पहले मैंने इस वीडियो पर स्वीप के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की थी, तो आइए इस वीडियो में हम स्लॉग स्वीप को समझते हैं। स्लॉग स्वीप कब खेलते हैं? स्लॉग स्वीप आप तब खेलते हैं जब आप इनफील्ड के ऊपर से बॉल को मारते हुए सिक्सर अटेम्प्ट करते हैं। कई बार हम बॉलर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने और तेज रन बनाने के लिए भी धीमी गति के बॉलर के अगेंस्ट इसका उपयोग करते हैं। आपको मैं बताऊं, साउथ अफ्रीका के हेंसी क्रोनियो विश्व के पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिनको इस स्ट्रोक में महारत हासिल थी। 1993 में शेन वॉन के अगेंस्ट हो या फिर 1998 में मुरलीधरन के अगेंस्ट, हेंसी ने इस स्ट्रोक का भरपूर उपयोग किया और उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 इसी स्ट्रोक के बलबूते पर बनाया। आइए समझे स्लॉग स्वीप को। स्लॉग स्वीप को समझने से पहले स्वीप और स्लॉग स्वीप में अंतर को समझते हैं। स्वीप को जहां हॉरिजेंटल डाउनस्विंग के साथ बॉल के लाइन में पैर ले जाकर खेला जाता है, वहीं स्लॉग स्वीप को वर्टिकल डाउनस्विंग के साथ बॉल के नीचे जाकर बॉल के लाइन से दूर पैर रखकर खेलते हैं। दोनों ही स्ट्रोक में बॉल को खेले जाने वाले एरिया को देखें। यह स्ट्रोक T20 वनडे में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। टेस्ट मैच में बॉलर के लाइन लेंथ को चेंज करने के लिए बैट्समैन इंटेंशनली यह स्ट्रोक खेलता है। यह स्ट्रोक अगेंस्ट द स्पिन और विद द स्पिन दोनों में ही यूजफुल होता है। आइए इसके तकनीक को समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्टांस में बैट्समैन खड़ा होगा, क्योंकि इस स्ट्रोक में पावर की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हाई बैक लिफ्ट यूज करेंगे। खुद को रूम देने के लिए फ्रंट फुट को बॉल के लाइन से बाहर रखेंगे। दोनों हाथों को एक्सटेंड करते हुए बैट के स्ट्रेट पार्ट को बॉल के नीचे ले जाएंगे और स्ट्रोक खत्म करेंगे। अपर बॉडी का पूरा इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, कभी भी यह स्ट्रोक आधा ना खेलें, फॉलो थ्रू कंप्लीट करें। कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको किस प्लेयर का स्लॉग स्वीप बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।